नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूं राजा भैया पाल और आज मैं दबो में हूं, जहां पर दबो बिजली विभाग के सुपरवाइज़र हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक डावर से सीधी बात करेंगे और आपकी तमाम समस्याओं को लेकर के आज हम यहां पर पहुंचे हैं। बात करेंगे अशोक डावर से, मिली अपने दबो बिजली विभाग सुपरवाइज़र अशोक डावर जी से। आपकी जन अदालत का धन्यवाद अशोक सिंह जी। आपको कितना समय हुआ है अभी दबो में आए हुए? जी मुझे अभी समय ज़्यादा नहीं हुआ है क्योंकि मेरी पोस्टिंग पहले ग्वालियर में हुई थी, ग्वालियर के बाद सीधा मुझे यहीं ट्रांसफ़र कर दिया गया। अप्रैल में मैंने ज्वाइन किया था तो लगभग अप्रैल से लगाकर अभी तक मुझे मतलब 3-4 महीने के लगभग हो चुका है दबो में। अशोक जी, अब तक देखा जाए तो सबसे कम उम्र में आपने जो है यहाँ पर ज्वाइन किया है, तो यहाँ का भौगोलिक स्थिति आपने देखी होगी, यहाँ के लोगों से आप मिले होंगे, तो इस फील्ड में आके क्या किस तरीके से स्ट्रगल आप कर रहे हैं? हमारा प्रयास यही है, पब्लिक से भी मतलब प्रयास यही है। वैसे स्थिति तो यहाँ की काफ़ी सुधार हुआ है, अच्छा देखने को मिला है, लेकिन फिर भी कुछ समस्याएं आती हैं यहाँ पे, तो उसका हम जायज़ा ले रहे हैं और उसको धीरे धीरे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सिस्टम एक मतलब फैला हुआ है, जो जैसे सिस्टम अपना फैला, हम उसमें चाहते हैं और उसमें सुधार करें और सप्लाई को बेहतर बनाने की कोशिश करें। ये है अशोक जी, जिस प्रकार से हमारे उपभोक्ता का लगातार सवाल रहता है कि लाइट 24 घंटे देने की बात है तो लाइट बार बार क्यों कटती है, ये आपका महत्वपूर्ण सवाल था, इस पर हम जवाब ले लेते हैं। सर, क्या कहना है? देखिए, वैसे तो कोशिश तो हमारी यही रहती है कि हम 24 घंटे सप्लाई दें, लेकिन किसी कारणवश फिर भी ब्रेकडाउन होता है कहीं पर DO, या हो सकता है जंपर वंपर जाने की समस्या रहती है, क्योंकि टेम्परेचर हाई है इस टाइम, गर्मी ज़्यादा है, पानी इतना बारिश हो पानी रही है, उसके कारण उमस होती है, उमस के कारण घरों में लोड चल रहा है, उसी के चलते क्या है कि जब सिस्टम पे लोड पड़ता है तो फ्लैश ओवर होता है, जंपर जलते हैं, अपना डीओ वीडियो टूट जाते हैं, तो उसी के चलते हुए अब रिसोल्व करने के लिए जब अपना लाइन स्टाफ परमिट लेता है उसको कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी उसको रिसोल्व कर दें। अशोक सिंह जी, क्या कहना है चाहेंगे, जिस प्रकार से यो दबो के आगे के जो आलमपुर सेक्टर के गांव हैं वो बड़े ऐसे लोड आपका काफ़ी जा रहा है, तो इसके समाधान के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? इसके लिए प्रयास तो हमने वरिष्ठ कार्यालय को भी अवगत करा दिया है कि इस गांव के वजह से मतलब अपना सिस्टम प्रभावित है, अब उसके चलते हुए उन्हें ऊपर से हमें यही आश्वासन मिला है कि PTR वहाँ पे सेंक्शन हुआ है, वहाँ पे सिस्टम नया लग रहा है, अगर सिस्टम लग जाता है चालू हो जाएगा तो वो ये गांव हट के वहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगे तो अपने लोड रिलीफ हो जाएगा, तो अपने यहाँ जो भी दबों में जो समस्याएं आ रही है ओवरलोड की वो काफ़ी हद तक सोल्व हो जाएगी। इस समय अशोक सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आपसे अहम मुद्दे आपके पूछ रहे हैं। आपका अगला सवाल हमें पब्लिक से मिला है कि इस समय बिल रीडिंग की जो लेकर के एक बड़ा भ्रष्टाचार सामने आ रहा है, कई लोग रीडिंग जो है बढ़ा दी जाती है, कुछ ना कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो अशोक सिंह जी क्या इससे उन्हें जानकारी है, क्या उनके पीछे ये सब जो सियासत चल रही है, बात कर लेते हैं। सर, इस तरह की जानकारी है आपको? देखिए, अभी तक तो मैन्युअली रीडिंग होती थी, मीटर रीडर डायरी चलती थी, डायरी में रीडिंग लेके आता था, फिर मैन्युअली पंच होती थी, लेकिन अभी हमारी कंपनी ने एक ऐप जारी किया है NIST ऐप, उसके द्वारा मीटर रीडर के मोबाइल में इंस्टॉल होता है, वो जाता है घर पे और रीडिंग लेता है, उसकी फ़ोटो भी खींचता है, उसमें रीडिंग फ़ोटो सहित आती है और वही रीडिंग आती है अपन सिस्टम पे सर्वर के थ्रू भोपाल अपलोड कर देते हैं। अगर उसके अलावा अगर कोई समस्या आती है तो हम AEIT JEIT से बात करके रिसोल्व करवाएंगे उसको। कुछ विभागीय कुछ ऐसे कर्मचारी होते हैं वो अपना निजी फ़ायदा करने के लिए इस तरीके से ब्लैकमेलिंग का काम करते हैं, तो इस तरीके पे कार्रवाई आती है? देखो, ऐसी अगर सूचनाएं मिलेगी तो हम उसके खिलाफ जांच करवाएंगे और उसके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। अगला सवाल हमारा बिजली की बचत के लिए और बिजली विभाग की और आपकी तरफ से जो पब्लिक के लिए उपभोक्ताओं के लिए जो जानकारी महत्वपूर्ण जानकारी है वो क्या आप देना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से आपके चैनल के माध्यम से आम जनता से ही अपील करूंगा कि वो ऊर्जा की महत्वपूर्ण मतलब जो मतलब जो ऊर्जा एक महत्वपूर्ण भूमिका अपना है इस क्षेत्र में योगदान है, तो मैं पब्लिक को यही कहूंगा कि वो अपने घर में बिजली का ज़्यादा से ज़्यादा बचत करे, मतलब जब यूज हो तभी उसका उपयोग करे, जैसे अगर घर में फैन है, TV है, कूलर है, अगर 8% रहे घर में तो ही चलाए, अगर उनका बाहर जाना है तो उनको बंद कर दे और कोशिश करे कि ऊर्जा का ज़्यादा से ज़्यादा बचत किया जाए ताकि अपने देश के विकास में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग कर सके।
एक उदाहरण यहाँ पर लेना चाहेंगे, जिस प्रकार से एक समय हुआ करता था कि जब लोग स्वच्छता के प्रति संवेदनशील नहीं होते थे, कूड़ा करकट जो है बाहर फेंकते थे, अब वो जागरूकता आ चुकी है कि जैसे ही गाड़ी आती है नगर पालिका की तो लोग कूड़ेदान में ही कचरा डालने के लिए उत्सुक होते हैं, तुरंत पहुँचते हैं, जिससे कि अब गंदगी की धीरे धीरे जो है स्वच्छता में परिवर्तन हो रहा है। इसी प्रकार से अगर बिजली के बारे में लोग जागरूक हो जाएँ तो लोग जिस प्रकार से हमने देखा है कि लोग अपने घर से बाहर भी जाते फिर भी उनका फ़ैन चलता रहता है, टीवी भी उनकी ऑन रहती है, वो सो जाते हैं लेकिन टीवी चलती रहती है, तो इस तरीके की जागरूकता हम भी कर सकते हैं तरीके से। जी जी, बहुत कुछ कर सकते हैं, और बिजली के साथ साथ वो अपना खुद का पैसा भी बचा सकते हैं और वो अपनी ज़रूरतें पूरे कर सकते हैं। हम तो यही चाहते हैं कि पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो, बिजली की बचत करे, ताकि उनका उनके उनके सीधे उनके जेबों पर भी प्रभाव जाएगा। अगर वो बिजली का बचाव करते हैं तो उनके जेबों पर भी प्रभाव जाएगा, क्योंकि अनावश्यक इक्विपमेंट चलने से बिजली का व्यर्थ खपत होती है, उससे कुछ फ़ायदा नहीं अपने को। तो मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बिजली का यूज हो, मतलब जब एट प्रेजेंट रहे घर में तभी उसका उपयोग करें, खाली टाइम में अपने घरों की जो भी लाइट है, फैन है, कूलर है, उनको नहीं चलाएं। बिजली विभाग से संबंधित जो समस्याएँ रहती हैं तो उनको सॉल्व कराने के लिए वो कैसे, क्या आपसे संपर्क करें या बिजली विभाग को संपर्क करें, ऐसा कुछ उपाय? हमारे यहाँ पे सभी स्टेशन में हमने एक नंबर जारी किया, कंट्रोल रूम है जहाँ पर एक नंबर जारी किया है, कॉन्टेक्ट नंबर है हमारे यहाँ का कंट्रोल रूम का, वहाँ पर कोई भी उपभोक्ता अगर अपनी बिजली से रिलेटेड समस्या है तो संपर्क करें, हमारा लाइन स्टाफ जाएगा, उसको रिसोल्व करेगा। आखिरी सवाल अपने बिजली विभाग की ओर से पब्लिक के लिए एक मैसेज? मैं जनता से यही अपील करूंगा कि वो बिजली की बचत करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में सनलाइट का उपयोग करें, हो सके तो जितने भी अपने हैवी लोड है उसको कम करने की कोशिश करें, जैसे CFL की जगह LED वगैरह इनका यूज करें, ताकि कम से कम कंजप्शन हो अपने घर का। तो इस समय हमारे साथ बिजली विभाग सुपरवाइज़र अशोक डावर जी से सीधी बात, तमाम मुद्दों को लेकर हमने चर्चा की, तमाम आपके सवाल जो थे वो हमने पूछने की कोशिश की। यदि फिर भी आपके कोई सवाल है, आपके कोई भी प्रश्न है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और जानकारी दे सकते हैं, और अगले पड़ाव में जब हमारा अगला इंटरव्यू होगा तो हम आपके सवाल करेंगे। यदि आप इस इंटरव्यू से प्रभावित हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। फिर किसी बड़ी शख्सियत के साथ मुलाकात होगी, जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।